वेलकम टू माय न्यू वीडियो। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हीरो ग्लैमर BS6 बाइक के बारे में। इस वीडियो के अंदर काफी सारे टॉपिक्स कवर अप करने वाला हूँ, जैसे कि प्राइस क्या देखने मिलेगा, कलर्स क्या क्या देखने मिलेंगे, माइलेज क्या देखने मिलेगा, साथ में ये भी कवर अप करूंगा कि फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन क्या देखने को मिलेंगे। लेकिन इससे पहले कहना चाहूंगा, अपने भाई के चैनल में पहली बार आए तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो से अपडेट रह सके। गाइस, जैसे कि आपको पता है, आपका भाई सबसे पहले प्राइस के बारे में बात करता है। प्राइस के बारे में इसलिए बात करता हूँ, जो चीज़ हम बजट में फिट होती है हम सबसे पहले वही चीज़ परचेज करते हैं। लेकिन इससे पहले बताना चाहूँगा, इसके अंदर दो वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, 125 Fi BS6 ड्रम में और 125 Fi BS6 डिस्क में। तो अब बात करते हैं 125 Fi BS6 ड्रम के बारे में। तो इसका एक्चुअल प्राइस देखने के लिए मिल जाएगा 69,750 रुपये का। RTO अमाउंट देखने मिलेगा 5,880 रुपये का। इंश्योरेंस अमाउंट देखने मिलेगा 5,457 रुपये का। अदर चार्जेस देखने मिलेंगे 1,905 रुपये के, जिसमें से हैंडलिंग चार्जेस होंगे 780 रुपये के, अदर चार्जेस होंगे 925 रुपये के। साथ ही में स्मार्ट कार्ड 200 रुपीज़ का मिलेगा। एडिशनल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे 175 रुपये के। अब बात करते हैं ऑन रोड प्राइस क्या देखने को मिलेगी। तो ऑन रोड प्राइस देखने मिल जाएगी 82,992 रुपये की। तो अब बात करते हैं 125 Fi BS6 डिस्क के बारे में। तो इसका एक्चुअल प्राइस देखने मिल जाता है 73,250 रुपये का। RTO अमाउंट देखने मिलेगा 6,175 रुपये का। इंश्योरेंस अमाउंट देखने मिल जाएगा 5,728 रुपये का। तो अदर चार्जेस देखने मिलेंगे 1,905 रुपये के, जिसमें से हैंडलिंग चार्जेस होंगे 780 रुपये के, अदर चार्जेस होंगे 925 रुपये। तो स्मार्ट कार्ड देखने मिलेगा 200 रुपीज़ का। एडिशनल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे 175 रुपये के। ऑन रोड प्राइस देखने के लिए मिल जाएगी 87,058 रुपये की। अब बात करते हैं कलर्स की, इसके अंदर कौन कौन से कलर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसके अंदर 4 डिफरेंट कलर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, स्पोर्ट्स रेड, रेडियंट रेड, एको ब्लू, टर्नाडो ग्रे। ये सारे कलर्स देखने के मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ऑसम और क्लासिक लगते हैं। अब बात करते हैं माइलेज के बारे में, कि इतना माइलेज देती है बाइक। तो इसका माइलेज देखने के लिए मिल जाता है 55 to 65 km/L। अब बात करते हैं फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में, कि भाई फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे इंजन एंड ट्रांसमिशन के बारे में। तो इंजन टाइप्स में एयर कूल, 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर देखने के लिए मिल जाता है। डिस्प्लेसमेंट 125 cc देखने मिलती है और मैक्सिमम पावर 10.87 PS एंड 7,500 RPM देखने के लिए मिल जाता है। मैक्सिमम टॉर्क इसकी 10.6 Nm एंड 6,000 RPM में देखने के लिए मिलेगा। नंबर ऑफ सिलेंडर्स 1 देखने मिलेगा। कूलिंग सिस्टम इसमें एयर कूल्ड और बल्ब पर सिलेंडर 2 देखने के लिए मिल जाता है। ड्राइव टेस्ट में चेन ड्राइव देखने मिलेगी। अब बात करते हैं स्टार्टिंग की, कि भाई ये बाइक स्टार्ट कैसे होती है। तो ये स्टार्टिंग में सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों ही देखने के लिए मिल जाती है। फ्यूल सप्लाई की बात करते हैं, फ्यूल सप्लाई इसमें Fi में देखने की मिलेगी, जिसे हम फ्यूल इंजेक्शन भी बोलते हैं। क्लच इसके अंदर वेट मल्टीप्लेट में देखने मिले। अब बात करते हैं इग्निशन के बारे में, कि इग्निशन क्या देखने मिलेगा। तो इग्निशन इसमें देखने को मिलेगा DC, जिसे हम फुल ट्रांजिस्टर इग्निशन भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ECU बोलते हैं। ट्रांसमिशन इसमें मैनुअल में देखने के लिए मिलेगा। गियर बॉक्स इसके अंदर 5 स्पीड देखने मिलेगा, यानी कि 5 गियर वाली बाइक होने वाली है। बोर इसके अंदर 52.4 mm का देखने मिलेगा। स्टॉक इसके अंदर 57.8 mm का देखने को मिलेगा। कंपेरिजन रेशो 10:01 देखने मिलेगा। एमिशन टाइप की बात करते हैं, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ BS6 से बाइक है, तो एमिशन टाइप BS6 देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो ABS इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। ब्रेकिंग टाइप इसमें इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम देखने मिलेगा। साथ ही में इसमें i3S टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। स्पीडोमीटर एनालॉग और ऑडोमीटर डिजिटल, टिप मीटर डिजिटल, फ्यूल गेज भी डिजिटल में देखने के लिए मिलेगा। कंसोल मीटर इसमें एनालॉग प्लस डिजिटल में देखने के लिए मिल जाएगा। साथ में 500 इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। पैसेंजर फुट ट्रेस भी देखने मिलेगा और रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करें चेसिस सस्पेंशन के बारे में, तो चेसिस में डायमंड फ्रेम में देखने मिलेगा। बॉडी टाइप में कम्यूटेटर बाइक देखने के लिए मिलेगी। अब बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में, तो फ्रंट सस्पेंशन इसमें टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर इसमें देखने मिलेगा और रियर सस्पेंशन इसमें 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर इसमें देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही में बॉडी ग्राफिक्स में देखने के लिए मिलती है। डायमेंशन कैपेसिटी की बात करते हैं, फ्यूल कैपेसिटी इसमें 10 लीटर देखने मिलेगी, यानी कि फ्यूल टैंक इसका 10 लीटर होने वाला है। वाइल्ड बेस की बात करते हैं, वाइल्ड बेस में 1262 mm का देखने के लिए मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल्स की बात करते हैं, हेडलाइट इसमें हेलोजन में देखने मिलेगी, टेल लाइट LED में, टर्न सिग्नल लैंप इसमें बल्ब में देखने मिलेगा,
लो फ्यूल इंडिकेटर भी देखने के लिए मिल जाएगा। टायर्स एंड ब्रेक्स की बात करते हैं, सबसे पहले हम टायर साइज की बात करेंगे। फ्रंट टायर 80x100-18 का और रेयर टायर्स में 90x90-18 का देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही में टायर टाइज में ट्यूबलेस में देखने मिलेंगे। व्हील साइज में फ्रंट व्हील देखने मिलेगा 457.2 mm और रेयर व्हील भी सेम ही साइज के मिलेगा 457.2 mm का देखने के लिए मिल जाएगा। व्हील टाइप्स के अंदर अलॉय में देखने मिलेंगे। अब बात करते हैं ब्रेक्स के बारे में। अगर आप ड्रम बाइक में लेते हो तो दोनों ही ब्रेक्स आपको ड्रम में देखने मिल जाएंगे। अगर आप डिस्क में लेते हो तो फ्रंट ब्रेक आपको डिस्क देखने मिलेगा और रेयर ब्रेक आपको ड्रम में देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट ब्रेक डायमीटर 240 mm का देखने मिलेगा, साथ ही में रेडियल टायर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। गाइज अगर अपने भाई के चैनल पहली बार है तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो से अपडेट रह सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।